सर एक ही जैसा है, इसको फिर से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि डाटा के बेसिस पे आपका ऑर्डर निकालना है ना, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, ये क्वेश्चन दे दिया था आपको। यहाँ पे हम लिख सकते थे रेट जो होगा ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा होगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट के लगा देंगे, और ये डाटा गिवन था तो उसके बेसिस पे हम लोग काम करना स्टार्ट किए। रेट का चार वैल्यू दिया गया था, लिख दिए, के पता है, ए का और बी का भी वैल्यू पता है। इस तरीका से हम लोग अल्फा बीटा यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हमारा पर्पस क्या है, इस इक्वेशन के हेल्प से हमको निकालना है के अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसके लिए ऑब्जर्व करेंगे चीजों को लेके, हम देखेंगे यहाँ क्या वन और फोर को अगर डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा और 1/4 आ जाएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही आएगा। मैंने जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इस तरीका से हम बोल देंगे अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। दो और तीन को हम सॉल्व करते हैं, दो और तीन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या कि एक कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने बीटा बराबर कितना देगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, अल्फा बराबर 1 आ गया और बीटा बराबर 2 आ गया। इस तरीका से हम बोलेंगे, इस तरीका से बोलेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पता हो गया। अब किसी भी इक्वेशन, चारों में से कोई भी इक्वेशन एक को पकड़िए और इस क्वेश्चन अल्फा और बीटा का वैल्यू डाल दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 को पकड़ते हैं, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 6 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू के इंटू 0.1 के पावर अल्फा और 0.1 के पावर बीटा मीन्स 2, ये निकाले हैं आप। और यहां से आप इसको कट भी दीजिए, चूंकि 10⁻³ ही आएगा, के का वैल्यू 6 आएगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आपको अल्फा ही पता हो गया, बीटा ही पता हो गया, और के का भी वैल्यू पता हो गया। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 2 है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो। क्लियर, चलिए तो 11 बता दिए हम लोग, 12 इसी के जैसा है, खाली वहां पे बॉक्स दिया गया, कुछ खाली जगह दिया गया है। आपको जो निकालना होगा, मान लिया ए वाला वैल्यू नहीं पता था, इसको नहीं पता रहने दीजिए, और यहां से के पता है, ये पता है, तो आप इसको निकाल ही लीजिए। आप करके देखोगे आसान है, बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का ट्राई करते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वहां पे क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया। हाफ लाइफ का वैल्यू पहले याद रहना चाहिए, फॉर्मूला ये होता है, और हम बोलेंगे कि हाफ लाइफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट अपॉन कंसेंट्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू पता हुआ था उसी पे निकाल देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल दिया था के का वैल्यू 200 सेकेंड इनवर्स है, तो हाफ लाइफ क्या हो, तो हाफ लाइफ का वैल्यू आप निकाल सकते हो 0.693/k, के का वैल्यू कितना लेंगे 200, इतना हम बोल देंगे सेकेंड को। क्लियर, इस तरीका से यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं। आप यूनिट पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी ईयर इनवर्स दिया रहेगा, कभी मिनट इनवर्स दिया रहेगा, कभी तो जो भी दिया रहेगा उसी में आपको हाफ लाइफ आ जाएगा। अगर डे इनवर्स रहेगा तो डे में आंसर आ जाएगा, अगर ईयर इनवर्स है तो ईयर में आंसर आ जाएगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा कुछ बोल रहा है कि कोई ट्री है, उसका हाफ लाइफ दे दिया है, कितना ईयर इनवर्स है। क्लियर, और इसमें बोल क्या रहा है कि वो वुड में 80% बोल रहा है, आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग ट्री, 80% उसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो हाफ लाइफ दिया गया तो आप के का वैल्यू निकाल लो, 0.693/2 यहां पे लिख देंगे, है ना, ये रिवर्स कर दिए सिर्फ यहाँ पे आज। और यहाँ पे आपको ये दिया गया है, हाफ लाइफ का वैल्यू दिया गया है, तो 5730 डिवाइडेड बाई मीन्स हम ऐसे बोलेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 5730, ऐसा बोलेंगे, ये क्या आ गया, ईयर आ गया। क्लियर, अब उनसे पूछ रहा था कि इसका टाइम क्या होगा, क्या टाइम होगा जब उसमें 80% लिविंग ट्री। तो कहने का मतलब मेरा है कि आपको पता है 2.303/T के log k0/80, तो आपको पता क्या है, 2.303 पता है, के का वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.693/5730 log a0 100, और 80 बोल रहा था 80%
लिविंग ट्री है। तो 80 का वैल्यू हम बोल देंगे उसमें 80% है, 80 बोल देते कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद कितना बच रहा था, बोला लिविंग ट्री 80% है, मीन्स 80% वहां पे 20% डिकम्पोज किया है। तो यानी यहां पे हम 80 रखेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दो बात यहां पे आएगा, लॉग ए वाई बी, ये तो सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 8, और आपको पता है क्या पता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ये पता है, लॉग टेबल देखना हम सिखाएंगे, लेकिन अभी मेरा काम इतना से चल जाएगा कि लॉग 8 का वैल्यू आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3 हो जाता है, क्लियर। और ये तो सबको पता है जी, लॉग 2 का वैल्यू तो सबको पता होता है कि 0.3010 होता है, यानी आप यहां से सॉल्व करोगे तो 0.9030 आ गया, लॉग 8 का वैल्यू आपको पता हो गया है इतना। तो यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर जो आना होगा आएगा, उससे मतलब नहीं है, यह आ जाएगा 1 - 0.9030, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए पूछ रहा था कि 80% लिविंग ट्री में उसका टाइम क्या लगेगा, एज ऑफ ट्री मांग रहा था, एज ऑफ ट्री मीन्स टाइम के टर्म में आपको निकालना, जो कितना आ जाएगा ईयर में आ जाएगा, क्योंकि आपका ये ईयर में था इसलिए आंसर यहां पे उसका ईयर में आ जाएगा, क्लियर। इस तरीका से 14 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। का वैल्यू दे दिया 62nd इनवर्स है, क्लियर, रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है। बोल रहा था क्या समय लगेगा जब वो इनिशियल का 1/16 रिड्यूस्ड कर जाएगा, क्या समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है, समय क्या होगा जब वो इनिशियल का 1/16 हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो के का वैल्यू हमको पता है इतना सेकेंड इनवर्स है, तो टाइम क्या लगेगा जब उसमें से आई मीन 1/16 रिड्यूस्ड कर जाएगा, यहां सेकेंड इनवर्स है, यानी हम पता कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको ये पता हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के जगह पे आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो, हाफ लाइफ क्या होता है 0.693/k हो जाएगा, और यहां पे लिखेंगे 0.693/k का वैल्यू कितना रखेंगे, 60 रख देंगे, ये वाला वैल्यू आ गया, हाफ लाइफ उनको पता होगी। अब देखो हाफ लाइफ में ऐसा चलता है, एक है तो एक आधा हो जाएगा, फिर ये है तो इसका आधा हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, हाँ, और फिर इसका भी आधा हो जाएगा। 1/16 इनिशियल का मैंने शुरुआत का अगर एक है तो इसका 1/16 भाग होने में कितना हाफ लाइफ लगेगा, तो यहां पे हम बोलेंगे एक हाफ लाइफ लगा, क्योंकि हाफ लाइफ यहां भी लगेगा, यहां भी हाफ लाइफ लगेगा, यहां भी हाफ लाइफ लगेगा, और कितना हाफ लाइफ लग रहा है, 1, 2, 3, 4, तो हम बोलेंगे कि यहां से यहां जाने में 4 हाफ लाइफ लगा है, तो हम बोलेंगे यहां पे हम बोल देंगे टाइम क्या होगा, 4 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ का वैल्यू आपको पता है, एक हाफ लाइफ का वैल्यू आपको पता है, तो 4 लाइफ हाफ लाइफ का भी वैल्यू आपको पता ही हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया है आपका टेक्निकल, मीन्स आप सोच लीजिए कि हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, उसके बेसिस पे आप काम कर लीजिए। दूसरा बात ये हो सकता है कि आप फार्मूला से कैसे इसको बनाएंगे, फार्मूला वेस्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आप इसको ऐसे अप्लाई कर लो कि हाफ के इनवर्स था, मीन्स के हेल्प से, रेट कॉन्स्टेंट के हेल्प से आप हाफ लाइफ निकालें, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको समय ही मांग रहा था ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रिलेशन होता है ये वाला 2.303/k log a0/18, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये बात आपको जानकारी है। अब यहां पे हम बोलेंगे कि 2.303 और के जगह पे आप रख दो, क्या रख देंगे 0.693/60 log a0 के जगह पे क्या रख सकते हैं बाबू, a0 के जगह पे हम रख सकते हैं इनिशियल है 1 और 1/16 पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, जो देखिए 2.303 × 60 / 0.693 और क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ना इसको log 16 आ जाएगा, log 16 को हम क्या कह सकते हैं, log 16 को हम बोल सकते हैं 2 to the power 4, मैंने 4 आगे चला आएगा, 2.303 × 60 × 4 × log 2 के जगह पे 0.3010 / 0.693, है ना, ऐसा कुछ आ गया, क्लियर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जब सॉल्व करेंगे ना ये दोनों को, तो आपको ये वाला आ जाएगा, हम लोगों को करना क्या था कि यहां पे k का वैल्यू रखना था, क्लियर,
के का वैल्यू रखना था और आप रख दिए हाफ लाइफ का वैल्यू, जो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 60 रख के, है ना, आपको सिर्फ 60 रखने का जरूरत है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2.303/60 log 16 है ना, 2.303/60 into 4 log 2 आ जाएगा। और log 2 का वैल्यू क्या आपको पता होता है कि 2.303 और into 0.3010 divided by 60 into 4, इसी को तो बोलते हैं 0.693 by 60 into 4। देखिए दोनों जगह से आंसर आपका सेम ही है, क्लियर। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन नंबर 16 आसे बन जाएगा।